नमस्कार दोस्तों, कई के से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और बड़ी जरूरी जानकारियां सूचनाएं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो एग्जाम्स होने हैं अगस्त से, जो एग्जाम्स शुरू होंगे उनकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर ये कि एग्जाम भी दोनों मोड से कंडक्ट करवाए जाएंगे, ब्लेंडेड मोड से कंडक्ट करवाए जाएंगे। जो एग्जाम 16/8/2021 से शुरू होने हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज के, दोनों मोड से कंडक्ट करवाए जाएंगे, और सभी स्टूडेंट्स से जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे 14 तारीख तक संबंधित उनके चेयरपर्सन डायरेक्टर या प्रिंसिपल की तरफ से राय ले ली जाएगी 14/8/2021 तक की, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो कब किस मोड से एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा जो पास आउट एक्स स्टूडेंट्स हैं वो अपने एडमिट कार्ड आने के बाद अपने एग्जाम का मोड सेलेक्ट कर पाएंगे, और पूरे एग्जाम के दौरान निगरानी अनिवार्य है, गूगल मीट पर निगरानी अनिवार्य है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधित समस्या है, या मोबाइल फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देने के अगर प्रबंध नहीं है, तो वो स्टूडेंट अपने संबंधित चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए, और उनके ऑफलाइन एग्जाम के लिए अरेंजमेंट कर दी जाएगी, और उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक अवेलेबल करवा दी जाएगी जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम देंगे, और जितने भी SOP हैं उनकी पालना की जाएगी। और 20 स्टूडेंट्स पर एक निरीक्षक को नियुक्त किया जाएगा निगरानी के लिए। पूरे एग्जाम की अवधि के दौरान निगरानी होनी चाहिए, सख्ताई से निगरानी हो, इसको लेकर बात कही गई है, और जितना भी स्टाफ की ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली ही ये ड्यूटीज़ लगाई जाएं। अगर डिसकनेक्ट हुए, डिसअपियर हुए गूगल मीट से, तो इसको UMC के अंडर माना जाएगा, और जो भी टीचर होंगे, निरीक्षक होंगे, वो एक्शन ले सकते हैं अगर आप डिसकनेक्ट या डिसअपियर हुए। जो प्रैक्टिकल्स इत्यादि हैं वो एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन मोड के जरिए कंडक्ट करवा ली जानी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले ही आपकी प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाई जानी है, तो इसके रिगार्डिंग आप लगातार अपने कॉलेज के संपर्क में जरूर रहें। सुबह जो क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा 9:15 बजे संबंधित डायरेक्टर प्रिंसिपल को भेज दिया जाएगा, और जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर भेजा जाएगा कॉलेजों को वो 1:15 बजे भेजा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को शेयर किया जाएगा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स मोड के जरिए, चाहे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाए, चाहे उनको मेल के जरिए भेजा जाए। और यहाँ पर इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपकी फ़ोटो लगी हो, साइन किए हो, और आंसर बुक की जो PDF आप बनाएंगे उसमें पहला पेज आपका एडमिट कार्ड रहेगा, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। गूगल फॉर्म बनाया जाएगा, शेयर किया जाएगा, आंसर बुक गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए सबमिट करवानी है। स्टूडेंट्स को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपनी डिटेल्स देने की, जो भी एग्जाम सेंटर उनके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया मिलेगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अपनी डिटेल्स देनी होगी, 50 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेज के तौर पर देने होंगे। जो भी उनसे डिटेल्स प्राप्त होंगे उन्हीं डिटेल्स के आधार पर ही उनको क्वेश्चन पेपर, गूगल मीट का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक, ये सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी, और जो भी निगरानी होगी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 3 महीने बाद तक यूनिवर्सिटी कभी भी देख सकती है, मांग कर सकती है। क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपने ये देख लेना कि आपको सही क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है। अगर आप गलत क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो बाद में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। पूरे काम के लिए 4 घंटे की समय अवधि रहेगी, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट यहाँ पर बताई गई है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर रिसीव करना, उसको सोल्व करना और आंसर बुक को अपलोड करना है। पूरा काम आपके पास 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आपने A4 साइज शीट पर इसको सोल्व करना है, और फॉर्मेट वही है पहले वाला, मैक्सिमम 36 पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% आपने पेपर अटैम्प्ट करना होगा, और जो जानकारी आंसर बुक के पेज पर रहेंगी वो यहाँ पर बताई है, और हर एक पेज पर जो डिटेल्स हैं वो आपने लिखनी है, हर एक पेज पर आपने सिग्नेचर करने, अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आंसर बुक इवेल्युएट नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस ऐप, एडोब स्कैनर, VFLAT ऐप इत्यादि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं PDF बनाने के लिए, और अपने रोल नंबर के तौर पर PDF आप सेव कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर होना जरूरी है। जो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी वो आपने गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए सबमिट करवानी है 4 घंटे के अंदर अंदर, और ये भी देख लेना है कि आपने अपनी PDF के साथ जो आपकी आंसर बुक आप सबमिट करवा रहे हैं उसमें आपका एडमिट कार्ड भी लगा हुआ होना चाहिए। जो आंसर शीट लेट आएगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अपनी डिटेल्स लिखनी होगी गूगल फॉर्म में, जो भी जानकारियाँ मांगी जाएंगी वो सारी जानकारियाँ आपने भरनी है, और पेपर करते वक्त गूगल मीट के सामने आपने इस तरीके से बैठना है कि आपका पूरा व्यू दिखाई देगी, आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, माइक्रोफोन ऑफ रहेगा और कैमरा आपने ऑन रखना है। जो डिटेल्स बताई गई हैं वही सिर्फ आपने आंसर शीट पर लिखना है, मोबाइल नंबर इत्यादि नहीं लिखना है, अदरवाइज UMC के अंडर इसको माना जाएगा। और जो लिंक होगा वो पेपर ख़त्म होने से 1 घंटे पहले ओपन किया जाए, ये बात इसमें कही गई है। अगर आंसर बुक डिपॉजिट नहीं करवा पाते हैं स्टूडेंट निर्धारित समय अवधि में, अगर स्टूडेंट के पास कोई वैलिड रीजन है तो उसके बाद उसके बारे में संबंधित चेयरपर्सन डिपार्टमेंट तय करेंगे कि उसकी आंसर बुक एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, तो निर्धारित समय अवधि में आप अपनी आंसर शीट सबमिट जरूर करवा दें। जो भी सीटें प्राप्त, जो भी आंसर बुक एक्सेप्ट की जाएंगी प्राप्त होंगी उसके लिए अलग से उनको सेव किया जाए,
और इवेल्यूशन की बात कही गई, इवेल्यूशन भी की जाए और जो अवार्ड लिस्ट होगी तैयार करके ड्यूली काउंटर साइंड बाय द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज विल बी सबमिटेड इन द सिक्रेसी ब्रांच में जो अवार्ड्स हैं वो सबमिट करवाए जाएँ। और कॉलेजों को संबंधित डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को यही कहा गया कि उनको अपनी जो गूगल ड्राइव है उसमें सफिशियंट स्पेस रखना होगा, आंसर बुक डाउनलोड करेंगे डेली बेसिस, यानी कि जैसे पेपर होगा तो डेली बेसिस पर आंसर बुक वहाँ पर सेव होंगी, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा लेट ना हो। और जो इवेल्यूशन होगी वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, जैसे कि आज पेपर हुआ और अगले 10 दिन में कहा गया कि आंसर बुक की जो इवेल्यूशन वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो संभाल के रखनी है, फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसमें ये फाइल सेव करके रखनी होगी, 6 महीने रिजल्ट आने के 6 महीने बाद तक ये सारी चीज़ें संभाल कर रखनी होंगी। क्वेश्चन वाइज मार्क्स दिए जाने हैं और यही मार्क्स जो है पोर्टल पर भी अपलोड किए जाने हैं इवेल्यूशन का। और यहाँ पर कहा गया है कि जो पेमेंट होगी वो यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक की जाएगी आंसर बुक और पेपर सेटिंग के लिए, और जो स्टूडेंट रीवैल अप्लाई करना चाहेंगे वो रीवैल अप्लाई कर पाएंगे निर्धारित समय अवधि में, रिजल्ट आने के बाद अगर रीवैल अप्लाई करना चाहेंगे तो रीवैल अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी जानकारी, तो आपने सभी बातों का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के दौरान आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ पहले की तरह ही, तो आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे और इस नोटिस की कॉपी इन सभी को भेजी गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो आप सभी अपनी पढ़ाई तैयारी जारी जरूर रखें, जो भी अपडेट्स होंगे लगातार आपके साथ शेयर की जाएंगी। ऐसी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें।